ये वाली लोकेशन ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। अगर आप व्यू देखोगे ना, मतलब क्या बोलोगे भाई, क्या लोकेशन। एक साइड से इंडिया है, दूसरे साइड से पाकिस्तान है, बीच में एक नदी है जो उसको डिवाइड करती है, दो देशों को अलग। ये जा रही है पाकिस्तान की गाड़ी है, आप देख लो रुक गई वहां पे। ये मसवार गेट तो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, आप भी अच्छे होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं घर में स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें जाना है कैरन वैली की ओर फैमिली ट्रिप लेके, तो चले निकलते हैं यहाँ से कैरन वैली की ओर। बाकी अगर आप फेसबुक पे नए हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चले अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फैमिली में कौन कौन आ रहे हैं, नियर अबाउट 10-15 बंदे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली गाड़ी हमें ना बुक कर दी है, फैमिली होगी और मैं और मेरे भाई इस पे जाएंगे, जावा 390 पे। बाकी वो गाड़ी फुल होगी, तो चले निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आगे क्या सीन रहेगा। तो गाइस अभी जस्ट ना हम पहुंच चुके हैं त्रहगाम। यहाँ पे इतना गांव भी है थोड़ा बहुत, जिसके कारण हम मतलब रुके। तो लास्ट टाइम भी मैं गया था कैरन वैली की ओर, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त फैमिली मेम्बर साथ में नहीं थे। इस वक्त हम फैमिली मेम्बर के साथ, मामू वगैरह, डैडी, मम्मी सब साथ में हैं। तो वो ना आगे निकल चुके हैं, अब बच गए हम, तो अब हम निकल रहे। माशाल्लाह क्या लोग हैं, फिलहाल हम इंडियाल में हैं, लोकेशन से जब नज़ारा इंजॉय कर लो, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है। सामने पुलिस है, ये आप देख सकते हो। बाकी गाइस मैंने ना हेलमेट पहना है, क्योंकि अभी बाइक ड्राइव करनी है। बाकी इनकी भी क्या ज़िंदगी है, सुबह 7:30 बजे हैं और ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हमने ना बाइक यहाँ पे रोक दी, कुछ काम पड़ा। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो गाइस अभी जस्ट ना हम कुछ इस वाली लोकेशन पे रुक गए। ये वाली लोकेशन ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। अगर आप व्यू देखोगे ना, मतलब क्या बोलोगे भाई, क्या लोकेशन। ये आप चेक कर लो गाइस, माशाल्लाह। इससे आगे भी एक लोकेशन है, वहाँ से भी ना बहुत ज़्यादा मतलब व्यू अच्छा है, वो भी मैं आपको देखूंगा। तो अभी ना लेट हो रहा है, हमें ना पूछना है कैरन वैली की ओर, और दिन में ही वापस आना है। लास्ट टाइम भी गए थे, लेकिन उस टाइम अपने रिलेटिव साथ में नहीं थे, तो इस वक्त सारे हैं, मतलब मॉम, डैड, मामू हैं। क्या कर रहे हैं सर, कर बंद आँख में। तो अभी ना निकलते हैं यहाँ से, सीधे मिलते हैं अब कैरन वैली में। गाइस हम ना पूछे यहाँ पे, यहाँ पे चेक करते, तो ये गाड़ी ना तैयार है यहाँ पे, हम इन्हें अब मिले। तो चले निकलते हैं यहाँ से, बाकी अभी यहाँ पे एंट्री वगैरह करवानी है, उसके बाद आगे की ओर जाना है, वहाँ पे भी एंट्री करानी। तो जब भी आप कैरन वैली की ओर निकलोगे ना, तो इस वाली लोकेशन पे आपको ना एंट्री वगैरह करवानी पड़ती है, उसके बाद आगे भी करवानी। तो चलिए हमें देर हो रहा है, हम निकलते हैं यहाँ से। आप में से किस किस ने सब्सक्राइब किया, आपने किया? अभी जस्ट ना हम इस वाली लोकेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 3 वे हैं, एक तो ये वाली लोकेशन, ये वाली जगह जो है, यहाँ से जाते हैं पी गली, और इस वाली लोकेशन से जाते हैं हम कैरन की ओर। कैरन यहाँ से नियर अबाउट 24 किलोमीटर दूर है, और ये वाला रास्ता जो है ये फार्किंग टॉप का रास्ता है, तो यहाँ पे डिवाइड होता है दो रास्तों में। तो अभी ना सूमो वगैरह वो पीछे हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो आएंगे, उसके बाद हम आराम से निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस हम ना कुछ इस वाली लोकेशन पहुंच चुके हैं, आप चेक करो गाइस। अभी ना मैं बाइक ड्राइव करने वाला हूँ, क्योंकि वो थक गए हैं। बाकी ये आप चेक करो, डैडी वगैरह सभी हैं, तो चले अब निकलते हैं यहाँ से। फाइनली अभी जस्ट हम ना कैरन पहुंच चुके हैं। बाइक को हमने ना यहाँ पे पार्क करके रख ली, अभी जाके एंट्री कराती हूँ, वो सब ना गई, मैं बाइक को यहाँ पे पार्क करने के लिए आया। तो चले निकलते हैं, अब देखते हैं आगे। ये आप यहाँ से ना देख सकते हो, ये वाला साइड जो है ये पाकिस्तान का साइड है, और जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये हिंदुस्तान का साइड है। तो चले अब आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस अभी जस्ट मैं पूछा उस वाली लोकेशन से, जहाँ पे आपको एक साइड से इंडिया है, दूसरे साइड से पाकिस्तान है, बीच में एक नदी है जो उसको डिवाइड करती है, दो देशों को अलग करती है। ये इस साइड से मैं चल रहा हूँ, ये इंडिया है, और ये जो है ये बीच में ये नदी है, और जो उस साइड से है ये साइड पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पे दिख रहा होगा,
इस साइड से पाकिस्तान है, बीच में ये नदी है और ये इंडिया है। तो अभी ना आगे चलते हैं, देखते हैं, वो वेव वगैरह भी करते हैं, ये वेव बैक करेंगे। फैमिली सारे साथ में आई है, खाना वगैरह अच्छी तरह से साथ में लाया है, तो देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है। तो लोग ना एंड तक जरूर देखना। अभी ना मैं इस वाली लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, ये इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है, ये आप चेक कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे मतलब ये लगाया गया इस साइड से पाकिस्तान के मतलब कुछ लिख लगाया गया, जैसे कि 1755 किलोमीटर दूर है लाहौर पिशावर, वैसे इस साइड से इंडिया का लिख लगाया गया है, जैसे जयपुर दिल्ली वगैरह। तो करते हैं काम, अभी ना आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत व्यू भी करते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन रहेगा। तो चले निकलते हैं अब यहाँ से। ये यहाँ पे कुछ टूरिस्ट वगैरह आ चुके हैं जिन्होंने नाइट कैंपिंग की है यहाँ पे, और अभी बहुत सारे भी हैं, आप टेंट देख सकते हो। और इस साइड से पाकिस्तान है और यहाँ पे लगाया गया है, कहाँ गया ये, कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान। और यहाँ से ना आप देख लो आई लव नीलम, प्लस आपको पाकिस्तान के फ्लैग साथ में कुछ आज़ाद कश्मीर के फ्लैग्स भी दिख रहे हैं। बाकी लोग तो नहीं है वहाँ पे जिनको हम वेव कर पाते, अभी आएंगे उस टाइम हम वेव करने की कोशिश करेंगे। चले अभी ना फोटो वगैरह उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है। जी जो अच्छे से मन गई मन गाइस, अभी ना मैं वेव करने वाला हूँ इनको, देखते हैं ये वेव बैक करेंगे। हाँ हाँ वेव बैक कर रहे हैं। लीची और नून चाय, ये भाई लोग ना फोटो वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का रोड है, और यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है पाकिस्तान की, ये आप देख लो, ये पाकिस्तान का फ्लैग आपको दिख रहा होगा, साथ में आज़ाद कश्मीर का फ्लैग भी। बाकी आप यहाँ से ना चेक कर लो, ये साइड से पूरा पाकिस्तान है। गाइस ये आप देख सकते हो पाकिस्तान के साइड से बस जा रही है, इस पर कितने बंदे चढ़े हैं, और ये पाकिस्तान की मस्जिद है माशाल्लाह। ये जो है ये पाकिस्तान के फ्लैग हैं। अभी मैं दूसरे साइड आया हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब पूरा पाकिस्तान दिखता है इस साइड से, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ आपको, मैं ना क्या कहते हैं इसको, मैं ना आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मतलब कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सामने मेरे सामने पाकिस्तान है और बीच में नदी है जो इसको डिवाइड कर, अगर ये नदी ना होती ना शायद ये दो देश एक ही होती, ये नदी इसको डिवाइड करती है। यहाँ सामने सीधे पाकिस्तान, आपको मैं ये रहे सभी आप देख लो पाकिस्तान के फ्लैग, उतना भी जूम नहीं किया मैंने, 2x पे रखा है ये यहाँ से पूरा पाकिस्तान है माशाल्लाह। पाकिस्तान की गाड़ी ये वाली है, ये देख लो फुल जूम किया मैंने, 8x पे रखा है। जीप आ रही है वहां से, वहां से जीप पूछा, ये जा रही है पाकिस्तान की गाड़ी है, आप देख लो रुक गई वहां पे, ये सवारी गाड़ी। गाइस भूख वगैरह ना बहुत ज़्यादा लगी है, अभी ना चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है। नाइट पे यहाँ ही रुकेंगे, यहाँ से निकलेंगे, वो आगे पता चलेगा, देखते हैं अब आगे। Later. So guys, finally हम ना वापस आ चुके हैं वहाँ से, अभी ना हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, वो ना मतलब पीछे ही रह गए। तो
गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना और फेसबुक पेज को ना फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोशिश जो आवाज़ रही।